सीजन 15 के घर में रश्मि देसाई ने दे दी है करण कुंद्रा को चेतावनी। पर आखिरकार करण कुंद्रा को गेम को लेकर क्या कुछ बड़ी बात कही है रश्मि देसाई ने, क्या है पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच में घमासान तो देखने को मिला ही, क्योंकि गेम को लेकर वो दोनों अब एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेलना शुरू कर चुके हैं। वेल, ये सही भी है उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं करण कुंद्रा को और तेजस्वी प्रकाश को ये ही लगते रहता है कि वो दोनों के बीच में जो फासला होते जा रहा है वो गेम को लेकर है, और दूसरी तरफ गेम में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ख़राब भी नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं चलता है भाई साहब, रिलेशनशिप या तो गेम, दोनों को इस मोड़ पर आके बिग बॉस के घर में है भाई। आप बिग बॉस के घर में गेम ही खेलने आते हैं, लव शव तो बाहर भी हो जाएगा लेकिन बिग बॉस के घर में तो गेम खेलना ही पड़ेगा। यहीं पर जब करण कुंद्रा राखी सावंत को बोलते हैं कि आखिरकार तो मुझे क्यों नहीं चूज़ कर सकती, जबकि हमने देखा ही कि किस तरह से राखी सावंत देवोलीना भट्टाचार्य तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट कर रही थी, तेजस्वी प्रकाश को आगे ला रही थी, तो करण ने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आखिरकार मैं ही क्यों। जहां तक कि सही भी है करण कि वो अपने आप को गेम में आगे ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार तेजस्वी का ये कहना कि रश्मि के चलते हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, रश्मि हमारे बीच आ रही है, तो रश्मि को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चुभ चुकी है। जिसके बाद की करण कुंद्रा से रश्मि देसाई कहते नजर आ रही हैं कि देख, अब मेरी चेतावनी है तुझे, अब अपने गेम को सिंगल रख के खेल, नहीं तो तू यहाँ पर रिश्ते निभाते रह जाएगा और ट्रॉफी कोई और लेकर चला जाएगा, तो बेहतर यही है, मेरी चेतावनी है कि तू अब से अपने लिए खेलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलेगा। जहाँ की करण कुंद्रा भी हामी भरते नजर आए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार करण कुंद्रा क्या सच में तेजस्वी प्रकाश का साथ छोड़कर खुद के लिए बिग बॉस सीजन 15 का गेम खेलेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।